वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरी सखानी 541 में, और हम कर रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, अर्थात इंटेलिजेंस के। हम 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है 5 पार्ट आ चुके हैं टॉप 5 रीजनिंग क्वेश्चनों के। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आज वेन आरेख से, वेन डायग्राम से। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फल यानी फ्रूट्स, अंगूर, ग्रेप्स और वेजिटेबल सब्जी, इनमें कौन सा संबंध सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फल, अंगूर, सब्जी में कौन सा रिश्ता ये चित्र जो है शो कर रहा है, इसको आपको बताना होता है। तो फल, तो आपको पता है अंगूर एक फल है, यानी जो ये अगर फल को बता रहा है, ये सर्कल अगर फल को बता रहा है, ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल अगर फल को बता रहा है, तो उसके अंदर अंगूर जरूर होगा, क्योंकि जितने भी अंगूर हैं इस दुनिया में वो सब फल हैं। तो फल के अंदर क्या जाएगा? अंगूर। लेकिन यहाँ तीसरा क्या है? सब्जी। अब सब्जी ना तो फल होती है, ना ही सब्जी अंगूर होती है, तो सब्जी जो है अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार का आप चित्र देखेंगे तो वेन डायग्राम कौन बता रहा है? ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो चित्र, ये जो सर्कल बनाया है, ये बता रहा है फल को, यानी फ्रूट्स को बता रहा है, और जबकि अंदर वाला जो सर्कल है वो बता रहा है अंगूर को, क्योंकि फल के अंदर अंगूर आएगा। लेकिन इनका इनके साथ टच नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, बीच में गैप है। तो ये सब्जी, क्योंकि आपको पता है सब्जी ना तो अंगूर होती है और ना ही सब्जी का फल से कोई रिश्ता है, या अलग अलग चीजें हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही संबंध हो जाएगा, सही चित्र, जो वेन आरेख फल, अंगूर, सब्जी को सही तरीके से निरूपित करता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको सैनिक स्कूल हो या राजीव नवोदय हो, उसके जो पुराने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके टॉप 5 क्वेश्चन को हम जो है करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और वीडियो को आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप, मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप वीडियो को हल्का पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद सॉल्व कीजिए और आंसर चेक करें कि आपको कितना आ रहा है। इससे आपका जो है पता चलेगा कि आप कितने जो है लेवल पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। यदि फ्रेंड को HUMJTK के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो उसी कोड में CANDLE कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ABCD लिखेंगे, ABCDEZ तक लिखेंगे। यहां जल्दी होगा करके मैंने पहले लिख दिया है, तो आप ABCD लिखेंगे जेड तक। फिर फ्रेंड को, यानी फ्रेंड को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है? HUMJTK। तो हम लिख देंगे फ्रेंड को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है? HUMJTK। तो हमें बताना है कैंडल को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो क्या लॉजिक बनेगा कैंडल को। तो आप देखेंगे आपके सामने ABCD लिखा होगा तो आसानी होगी। आप देखेंगे कि F और H में कितना गैप है, तो F और H में देखेंगे तो GH, तो F से 2 आगे जाने पर, F के बाद GH, तो 2 आगे गए, यानी F से 2 आगे जाने पर, आगे जाने को कहते हैं प्लस, और 2 आगे गए तो H मिलता है। तो F से H का मिलता है 2 आगे जाने पर। फिर देखेंगे R और U में, यहां से देखेंगे R, और ये रहा R, R से कितने आगे जाने पर U मिल रहा है? देखो ये रहा आपका R, तो 1 आगे जाने पर, 2 आगे जाने पर, 3 आगे जाने पर U मिल रहा है। तो यहां पर आगे जाने को कहते हैं प्लस, और यहां पर लिख देंगे +3। +3 का मतलब है, प्लस मतलब आगे को जा रहे हैं ABCD में, R S, ये देखो R के बाद आप चेक कर सकते हैं STU, तो आगे जाने पर 3 आगे जाने में मिल रहा है। अब है I, ये फ्रेंड का I था, तो I से M देखेंगे, तो ये रहा आपका I, यहां से M देखेंगे कितना आगे है, 1 2 3 4, कितने आगे जाने पर मिल रहा है? 4। I को नहीं गिनेंगे क्योंकि I से तो आगे जाना है, तो I के बाद JKLM, तो 4 आगे जाने पर हमें M मिला। इसके बाद देखेंगे E और G में, ये रहा सर आपका E, तो यहां से आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो लॉजिक आपको पता चलने लग गया कि धीरे धीरे, कि पहले 2 आगे बढ़ रहे हैं, फिर 3 आगे बढ़ रहे हैं, फिर 4 आगे बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं। फिर चेक करते जाएंगे N के बाद T देखेंगे, सर ये रहा आपका N, ये रहा आपका N, N से T जाना है, यहां पहुंचना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आगे जाने पर हमें T मिला। अब D से K में जाएंगे, ये रहा डी, के में जाना है 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉजिक पता चल गया, +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ऐसे यहां भी होगा, पहले 2 आगे जाएंगे, फिर 3 आगे जाएंगे, फिर 4 आगे जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर 6 जाएंगे, फिर 7 आगे जाएंगे। तो सी से पहले 2 आगे जाओ, तो सी से 2 आगे जाने पर डी ई, तो यहां पर आ जाएगा ई। अब ए से कितना आगे जाएंगे? 3, जितना यहां आगे गए उतना ही यहां जाएंगे, ए से 3 आगे जाने पर बी सी डी, यहां पर आ जाएगा डी। अब एन से कितना आगे जाएंगे? 4 आगे जाएंगे, तो एन से 4 आगे जाने पर ओ पी क्यू आर, यहां पर आ जाएगा आर।
आप कितना आगे जाएंगे, 5। तो D से 5 आगे जाने पर E F 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा I। अब है L, L से कितना आगे जाएंगे, 6। तो ये रहा L, इसे 6 आगे जाने पर 1 2 3 4 5 6, तो R आ जाएगा। फिर E से आगे जाएंगे 7, तो ये रहा आपका E, आप दिख रहे हैं, 7 आगे जाने पर 1 2 3 4 5 6 7, तो L आ जाएगा। इस प्रकार किसी कूट भाषा में फ्रेंड को एच यू एम जे टी की कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सी ए एन डी एल कैंडल को ई डी आर आई आर एल कहा जाता है। तो लॉजिक का निकला +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो यहां भी वही लॉजिक के साथ हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सिलेक्ट द ऑड, यानी ये चार ऑप्शनों में से कौन अलग है इसको आपको बताना है। तो ये नंबर फाइंड ऑड वन बताना है, 94 और 7 का एक पेयर है, ऑप्शन बी है 42 और 6 का एक पेयर, ऑप्शन सी है 35 और 5 का पेयर, ऑप्शन डी है 56 और 8 का पेयर। तो इनमें से कौन सा पेयर अलग होगा आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो ये जो 42 है, 42 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 42 था, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 6 42, तो यानी इस नंबर को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 ये नंबर आ जा रहा है, ये नंबर आ जा रहा है। किसे डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर। सेम हियर 35 और 5 था, तो 35 को अगर भी फिर 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी जो नंबर आगे वाले नंबर है उनको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो पीछे वाला नंबर आ जा रहा है। ऐसी 56 है, 56 को भी अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 8 56, तो ये पीछे वाला नंबर आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आगे वाले नंबरों को अगर 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो पीछे वाला नंबर आ जा रहा है, आगे वाले नंबर को 35 को 7 से भाग करेंगे तो 5 आ जा रहा है, तो 56 को भी 7 से भागा देंगे तो 7 8 56 8 आ जा रहा है। तो इसमें नहीं हो रहा, इसको 7 से भाग देंगे तो 12 आ रहा है, तो इसमें जो है भाग ही नहीं जा रहा है 7 का, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या क्या मैंने जो बी सी डी है उनमें आगे वाले नंबरों को, 42 है, 42 को 7 से भागा दे दो, 7 6 46, तो 6 आ गया, 7 5 35 5 आ रहा है, 7 8 56, तो ये तीनों में 7 का भाग, इसमें भी 7 का भाग, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये इस जगह पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा आपको बताना होता है। तो ये फाइंड मिसिंग नंबर है, इस वाली जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते इसमें ध्यान देते हैं, जो नंबर बाहर से लिखा है 496, यानी 496 का मैं क्या करूं, जो बाहर के नंबर है 496 का, इसका क्या करूं कि अंदर वाला नंबर 38 आ जाए, तो क्या करूं 496 का कि 38 आ जाए, इनको जोड़ूं घटाऊं गुणा करूं दुगना करूं, इन दोनों को आपस में जोड़ूं इनको घटाऊं, तो क्या करूं कि अंदर वाला आ जाए। तो आप देखेंगे सबको ऐड कर दीजिए, 4 में 9 को जोड़िए 30 में 6 को जोड़िए 19, क्या क्या मैंने जो बाहर के नंबर थे 4 9 6 इनको जोड़ा तो यह आ गया 19, और अब तो 38 चाहिए, तो 38 कैसे आएगा जब 19 का दुगना कर देंगे, तो 19 2 38, तो क्या क्या मैंने बाहर के नंबरों को जोड़ा और उसका दुगना करा तो ये आंसर आ गया। अभी ऐसे करेंगे, बाहर के जो नंबर हैं 8 11 9 इनको ऐड कर देंगे, तो बाहर के नंबर हैं 8 11 और 9 इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28, और जो बाहर को जोड़ के नंबर जो है उसका दुगना कीजिए, तो 28 का दुगना होता है 56, तो अंदर का नंबर आ जा रहा है। तो क्या किया हमने, बाहर के नंबरों को जोड़े हैं और जितना आ रहा है उसका दुगना कर रहे हैं तो अंदर का नंबर आ जा रहा है। सेम ऐसे यहां भी करेंगे 12 11 और 13, तो 12 11 और 13 इसको ऐड कर दीजिए, 3 में 1 4 4 और 2 6 1 2 3, तो ये आ जाएगा 36, और 36 का दुगना करेंगे तो आ जाएगा 72, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया 72। तो क्या है लॉजिक, बाहर के नंबरों को जोड़ रहे हैं उस दुगना कर देंगे अंदर का नंबर, बाहर के नंबरों को जोड़े दुगना करो उसका नंबर, बाहर के नंबरों को जोड़ो और दुगना कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, तो ये फिगर आपके सामने दिया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ट्राइंगल कितने होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको गिनेंगे, फिर इसकी मैं शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आप इसको गिनेंगे, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये मैं डार्क करते जाऊंगा आप देखते जाएंगे, सबसे पहले ट्राइंगल जो हो जाएंगे ये एक ट्राइंगल हो जाएगा, फिर ये वाला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल तीसरा हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल चौथा हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल छठा हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल सातवां हो जाएगा,
ये वाला ट्राइंगल आठवां हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें जो ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, तो 8 ट्राइंगल आपने देखे। 8 के बाद 8 के 8 तो आपको सबको दिख जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां वाला ट्राइंगल था। तो 8 ट्राइंगल आप देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं। 8 के बाद और भी है इसमें ट्राइंगल, तो 8 में टिक नहीं कर देना है। 8 के बाद आप डबल डबल गिनेंगे, सिंगल था डबल गिनेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 1 और 2 को, तो 1 और 2 को ये वाला ट्राइंगल हो गया, तो ये हो गया 9। अब 3 और 4 को ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 10। अब 5 और 6 को ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 11। अब 7 और 8 को ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 12। तो इस प्रकार अभी तक 12 ट्राइंगल आ चुके हैं। 8 सिंगल सिंगल आए, 4 जो है डबल डबल आए। डबल का मतलब ये दिखा, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं इसको मिटा देता हूं 1 और 2 को। अब आपको दिख रहा होगा 1 और 2 को मिक्स करके बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा था, तो वही 3 और 4 को मिला के बन रहा था, 5 और 6 को भी मिला के बन रहा था, 7 और 8 को मिला के, तो डबल डबल वाले 4 हो गए। तो अभी तक टोटल जो 8 और 4 हो गए 12 हो गए। अब तीन तीन वालों को कर रहा हूं, तीन या चार वालों को। तो सबसे पहले मैं ये वाले बिकॉर्न से कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ये वाला, तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं, 3 4 5 6, चार ट्राइंगलों को मिलाकर। तो ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं बार बार कर रहा हूं, तो ये वाला ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल एक हो गया जिसमें 4 ट्राइंगल है, एक हो गया। इसी के उल्टे साइड ये वाला ट्राइंगल जिसमें 1 2 8 7 है, तो 2 ये वाला ट्राइंगल, तो एक और हो गया। अब ये वाले बिकाने के उसमें देखेंगे, ये वाले बिकाने के उसमें देखेंगे, तो 5 6 7 8 वाले को देखेंगे तो एक और आ गया। इसी के उल्टे साइड देखेंगे 1 2 3 4 वाले को, तो 1 2 3 4 वाला ये रहेगा। तो इस प्रकार 8 4 12 13 14 15 16, तो टोटल ट्राइंगल कितने आ गए, 16। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो ट्राइंगलों की संख्या थी 16, तो इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का दुगना कर दीजिए, तो 8 2 16। तो इस प्रकार इसमें आंसर कितने हो जाएंगे, 16। लेकिन केवल इसी प्रकार के ट्राइंगलों को निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, क्या किया मैंने, 1 2 3 गिनती लिख देंगे और उनका लास्ट वाले नंबर का दुगना कर दीजिए, तो 8 2 16, तब भी 16 आ रहा है।